गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एट योर प्लेस. टूडे वी आर गोइंग आई एम गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक शुगर इंडस्ट्री. बेटा अपना चल रहा था चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में आई ऑलरेडी टॉट यू द इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सम कैटेगरी. फर्स्टली बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑफ locations और based on raw material. वो वाला topic चल रहा था. तो raw material में अपना topic था agro based industries में मैंने आपको पढ़ा दिया, textile industries पढ़ा दिया, jute industries पढ़ा दिया. आज sugar industries की अपन बात करेंगे. sugar industries natural बात है, sugar cane जो है, sugar cane गन्ना, उससे बनाई जाती है sugar वगैरह. ठीक है, इससे अपन लोग सिर्फ शुगर ही इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो पहले के टाइम में गुड़ और खांड सरी, गांव में भी आज भी चलता है खांड वगैरह, वो डाल के पीपल जो हैं खाते हैं. शुगर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? बेस्ड होती हैं रॉ मटेरियल पे, और इसके रॉ मटेरियल में सुक्रोज नाम का एक कॉन्टेंट होता है. वो जैसे ही इसको हार्वेस्ट किया जाता है शुगर केन को, विदिन 24 आवर्स के अंदर इसको क्रश करना कंपलसरी होता है. अगर क्रश नहीं करेंगे तो शुगर केन के अंदर उस सुक्रोज का जो परसेंटेज है वो रिड्यूस होने लगता है. ठीक है, तो इसलिए मोस्टली जो शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, शुगर एग्रीकल्चर जो लैंड्स होती हैं उनके आसपास जहाँ पे शुगर केन इजीली अवेलेबल हो जाए उस जगह पर ये सेटअप होती हैं. ठीक है, तो इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सब में, मध्य प्रदेश में भी उगाई जाती है मोस्टली जो शुगर है. 60% मील्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. दिस इंडस्ट्री इज ए सीजनल इन नेचर. ये इंडस्ट्री, क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज, तो आपको लिखना है कि एक तो ये सीजनल इंडस्ट्रीज है. ठीक है, सीजनल इंडस्ट्रीज हो गई है. तो सीजनल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सीजन में ही शुगर केन आता है, थ्रोट आउट जो है शुगर केन अवेलेबल नहीं होता, और शुगर केन को पकने में, राइप होने में नियर अबाउट 1 ईयर लगता है. ये 1 ईयर क्रॉप होने की वजह से मोस्टली कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेट सेक्टर जो होता है उसके लिए ये बेनिफिशियल है. कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ. इसमें क्या होता है, बायर्स और सेलर्स जो होते हैं अलग. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू मीन बाय द कोऑपरेटिव सेक्टर. इसमें बायर्स और सेलर्स जो होते हैं अलग होते हैं. ये कोऑपरेटिव सेक्टर एक इंस्टीट्यूट होता है, ये लेस प्रॉफिट के ऊपर काम करता है. जैसे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया शुगर केन जो है 1 ईयर क्रॉप है, 1 ईयर क्रॉप है. तो इसके ड्यूरेशन में फार्मर्स को बेसिक नीड्स जो है उनके लिए मनी की जरूरत होती है. तो ये क्या करते हैं, इस इंस्टीट्यूट के पास में जाते हैं और ये इंस्टीट्यूट इनको लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो मनी जो है अवेलेबल करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं. जब इनकी जो क्रॉप है वो राइप होती है, पकती है, मार्केट में बिकती है, बिकने के बाद में वो पैसा उसका काट लेते हैं. अच्छा, ये क्या आजकल जो क्या होता है शुगर केन, क्वेश्चन आ सकता है. देखो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, इन रिसेंट ईयर देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, स्पेशली इन महाराष्ट्र. अंडरलाइन कर देंगे, सॉरी आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा और लिख देंगे एक्सप्लेन कि मोस्टली एक टेंडेंसी बनी हुई है कि आजकल जो शुगर मील्स जो हैं ये साउथ में और वेस्टर्न इंडिया साइड में ट्रांसफर हो रही है, मोस्टली महाराष्ट्र की तरफ. तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक तो रीजन तो आपको लिखना है, जो शुगर केन जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में गुजरात वाले एरिया जो है इंक्रीज हो रहे हैं. दूसरा, जो नदन इंडिया है यहाँ पे भी शुगर होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी होता है. लेकिन क्या होता है, यहाँ पे जब गर्मियां पड़ती हैं तो इनका जो सुक्रोज है ये सूख जाता है, या मॉइस्चर जो है वो साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा रहता है, इस वजह से वो, यूं मैंने आपको बताया 24 आवर्स के अंदर
इनको हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर इनको क्रश करना, मशीन के अंदर डालना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और कई बार टाइम अगर ज्यादा लग गया तो ये रखा रखा सूख जाता है, तो मॉइस्चर वाले एरियाज हो गए वहां पे, इस वजह से वहां जा रहा है, ठीक है। कूलर क्लाइमेट हो गया, ऑल्सो एंश्योर ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन। क्रशिंग सीजन जैसे मान लीजिए आपने कभी मुरादाबाद साइड में कभी गए हों, हरिद्वार कभी गए हों, तो वहां पे आपको शुगर केन बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। और वहां पे जब पीपल्स क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते जाते हैं और अपनी गाड़ियों में डाल के वो शुगर मिल्स में पहुंचाते जाते हैं। अब क्या होता है, कई बार ज्यादा आ जाता है, मशीन उतना शुगर केन को क्रश नहीं कर पाती, तो रखा रखा सूख जाता है। तो वो लोग पीपल जो है अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपने सीजन को हार्वेस्ट, उसने शुगर केन को हार्वेस्ट करते हैं और मिल पर लेके आते हैं। इसलिए तो एक तो हो गया क्या, कूलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई इस वजह से, और कोऑपरेटिव सेक्टर वाले जो एरिया जो होते हैं, ये मोस्टली जो कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट, इन स्टेट्स में कोऑपरेटिव जो सेक्टर है या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा काम कर रहे हैं। मैंने आपको बात चल रही थी इस इंडस्ट्रीज को क्या होता है, आपने सुना होगा चीनी महंगी हो जाती है। मैंने आपको बात बताई थी कुछ, जैसे आपने सुना होगा चीनी कई बार महंगी हो जाती है, अपन लोग इंपोर्ट करते हैं, हैं वो किस वजह से, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो एक तो क्या हो गया, ये सीजनल क्रॉप हो गई। दूसरा, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आज भी हम वही पुराने तरीकों से शुगर बनाते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्री, और जैसे मैंने आपको बताया कोई फैक्ट्री दूर है तो वहां से वो सामान पहुंचने में टाइम लग जाता है। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूजेज ऑफ द बगेजेस, हमें इनका एरिया बढ़ाना है। चलते आगे, मिनरल बेस इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस इंडस्ट्रीज में आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, कॉपर इंडस्ट्रीज हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज जो हैं वो हो गई। तो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज ये, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिनरल बेस इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बिकॉज दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बेसिक इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन बताई थी, इनका रॉ मटेरियल, सॉरी इनका प्रोडक्ट जो है इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन अनदर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एंड मेटल एज रॉ मटीरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस इंडस्ट्री। Can you name some industry that would fall in your category? तो iron and steel आ गया। The iron and steel industry is the basic industry since all the other industry, इसको heavy industries भी, heavy, medium and light depend on its for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, constructions, material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of a consumer goods. तो ये iron and steel industries के जो use हैं वो कहाँ कहाँ हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते question आ सकता है, what is the uses of? तो production and consumption of steel is often regarded as the index of a country development. Production and consumption, मतलब कि कितना कोई कंट्री प्रोडक्शन करता है और कितना कंजप्शन करता है स्टील का, उसके जरिए कंट्री की डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स के बारे में पता चलता है। जैसे इंडिया है, प्रोडक्शन कर रहा है, कंजप्शन नहीं कर रहा, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो डेवलप नहीं माना जाएगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज finished goods are heavy and bulky and ten entailing heavy transport cost, इसको पहुंचाने में बहुत बड़ा material होता है, ये bulky सामान होता है, cooking और इसको बनाने में iron ore चाहिए, cooking coal चाहिए, limestone are required in ratio of approximate 4:1, इसको underline कर लेना आप लोग कि steel बनाने के लिए iron ore चाहिए, cooking coal चाहिए और limestone किस ratio में चाहिए ताकि हम steel बना सकें, तो 4:1 का रेशियो। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मेटल मिलाई जाती है स्टील को हार्ड करने के लिए, तो आप लिख दें कि मैग्नीज। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडली लोकेटेड, कहां पे लोकेटेड होती है, नियर द माइंस, जहां पे आयरन ओर्स की माइंस हो या कोल माइंस हो वहीं पे ही लगते हैं।
ठीक है. रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशियंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर. बेटा ये मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया था. वेयर आर द इंडस्ट्रीज लोकेटेड, आइडल लोकेशंस जो होती हैं वो मैंने आपको बताया था. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट, लेबर, एनर्जी रिसोर्सेज, वो सारे आप लिख लेना. In 2014, with 86.5 million tons of crude steel production, India ranked fourth among the world crude steel producer. It is the largest producer of sponge iron. है? इसमें से कुछ केमिकल्स वगैरह बना के इसको स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं. In 2014, per capita consumption of steel in the country was only around 60 per annum. अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज 270. अपने इंडिया के अंदर जो कंजप्शन है वो 60 kg पर एनम है, यानी एक पर्सन जो है 60 kg यूज करता है पूरे साल में. वो चाहे कोई घर में कोई फर्नीचर्स में इस्तेमाल कर रहा हो, गाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हो, जबकि जो वर्ल्ड की एवरेज है 270. इनको ड्राइंग कर लेना. कई बार इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेता है कि इंडिया कितने केजी पीछे है पर एनम कंजप्शन से वर्ल्ड के. तो आप कहोगे सर 60 भी नहीं था, 217 भी नहीं था. इसका आंसर आप 60 या 217 को टिक कर दोगे और अब तो इनको माइनस करके वो कर लेना आप लोग. ठीक है, आगे चलते हैं. Why is the per capita consumption of steel so low in India? अब सुनो बेटा, क्यों कम है? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है. इंडिया में कंजप्शन जो है, पर कैपिटा कंजप्शन जितना हम निकालते हैं उससे ज्यादा हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं. या फिर रीजन लगा सकते हैं, जिन रीजन्स में ये निकलता है, जिन एरियाज में ये निकलता है वो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे इनका कंजप्शन होता ही नहीं है. ठीक है, और हम ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन पे इनका कंजप्शन निकाल देते हैं. एक मिनी स्टील प्लांट्स और होते हैं. मिनी स्टील प्लांट, क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जो जिसकी मैंने अभी आपको बात करी है, वो इंटीग्रेटेड होते हैं. यानी कि ये आयरन ओर्स, कुकिंग कोल और लाइमस्टोन उस रेशियो में मिला के, कुछ मैग्नीशियम मिला के और उसको करते हैं. ठीक है, तो जो इंडस्ट्री लगाता है उसके पास में पर इनकम के जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, या इन्वेस्टमेंट अच्छा करके रखता है वो बंदा. और मिनी स्टील प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टील की एक चादर बनाई, एक शीट बनाई, उस शीट पर ये शीट बनाई, ऐसे मैंने ऐसी शीट बना दी, उस शीट पे मेरे को सर्किल निकाल लिया, ये सर्किल मैंने इस शीट में से निकाल दी. निकालने के बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये वाला, ये इसको कहेंगे स्क्रैप. क्या बोलेंगे इसको? स्क्रैप. स्क्रैप, स्क्रैप को हिंदी में बोलेंगे कबाड़ा. ठीक है, इसको कोई दूसरा बंदा कबाड़ी टाइम में इनको खरीदेगा. खरीदने के बाद में ये इनको वापस मेल्ट करेगा. मेल्ट करने के बाद में इसको वापस शीट में कन्वर्ट कर देगा. तो जो काम, अब देखो इंटीग्रेटेड में तो सारा रॉ मटेरियल ले रहे थे और शीट बना रहे थे, और ये जो मिनी स्टील प्लांट है ये सिर्फ उस स्क्रैप को लेके जाएंगे, फ्रेगनेंस से मतलब भट्टियों में डालेंगे, मेल्ट करेंगे और वापस शीट में कन्वर्ट कर देंगे. तो इनके पास में या इनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कम होता है. ठीक है, इसलिए इनको मिनी स्टील प्लांट्स बोलते हैं. है इलेक्ट्रिक फर्नेंसेस मतलब भट्टियां. यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉनेज आयरन. दे हैव री रोलर that use steel input as well. They produce mild and alloy steel of given specialization. उसको वापस से बना देते हैं. Most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority of India Limited SAIL. कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, what is the full form of SAIL? तो आप लिख दें Steel Authority of India. ये क्या करती है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज नहीं है, तो अंडरलाइन कर लेना आप इसको भी. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब मैंने बताया था गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं. ये पहले खुद स्टील प्रोडक्शन करते थे लेकिन ये प्रॉफिट में नहीं रहे, अब इनका काम जो है सुपरविजन करना होता है दूसरी स्टील इंडस्ट्रीज को. इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील.
दोनों सेम क्वांटिटी। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। इनको ध्यान रखना, कंज्यूमर में भी सबसे ऊपर है और प्रोडक्शन में भी सबसे ऊपर है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रिगार्डेड हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। छोटा नागपुर है, मैंने तो सुना, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, शायद पहले भी बताई थी, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सॉरी मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये आसपास ही मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे आयरन मिलेगा उसके आसपास ही आपको कोल भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी वहीं पे ही मिलेगा। इनकी जो फैक्ट्रियाज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ये आसपास ही होती है। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटीरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। ये उन एरिया में इंडस्ट्रीज लगती हैं। इंडिया इज ए इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हम ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लिख सकते हो परफॉर्म टू फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड। एक तो क्या हम पुराने मेथड यूज़ करते हैं, पुराने मेथड की वजह से, यूज़ करने की वजह से इनको निकालने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। दूसरा, हमारे पास में कुकिंग कोल जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है लेबर, वो हमको कम देती है। मैंने कहा मशीनें पुरानी हैं, ठीक है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर नहीं आती। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनके पास में जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो भी बहुत पहले की बनाई हुई है, अपडेटेड नहीं है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टील फ्रॉम अदर कंट्री, हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशियंट टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड। हालांकि हमारे पास में इतना ही है कि हम हमारी डोमेस्टिक डिमांड, मतलब जो हमें जरूरत चाहिए उतना अपन कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द फर्स्ट टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। अंडरलाइन कर लो, एक्सप्लेन देके पूछ लिया जाएगा कि अब इनका जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ रहा है लिबरलाइजेशन की वजह से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा होगा, चलो मैं थोड़ा सा एक बार फिर भी बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबर्टी इन अवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 1991 to 1992 के बीच में हमने ये लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लेकर आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो इस पॉलिसीज को लेकर आए थे। इसमें क्या था कि पहले अपन लोगों ने कुछ, जैसे अंग्रेजों से गुलाम हो गए थे अपन, तो अपन ने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने बहुत ही टफ रूल बना दिए कि कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर नहीं आएगी। अब नहीं आएगी तो बाहर से टेक्नोलॉजी भी इंडिया के अंदर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमने लिबरलाइजेशन दिया कि हाँ हम कुछ परसेंटेज, जैसे आपने नाम सुना होगा हीरो होंडा, हीरो इंडियन कंपनी है, होंडा बाहर की कंपनी है जापान की। तो होंडा कंपनी ने हीरो कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया। इसमें क्या था, ज़्यादा इंडिया का शेयर होगा और बाहर की कंट्री का कम शेयर होगा, तो हम उसकी टेक्नोलॉजी लेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन की हमने फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि पहले तो, अब हमने जैसे पहले रखा होगा 20-80 का रेशियो कि इंडिया कंपनी का शेयर उस कंपनी में मालिकाना हक 80% रहेगा, बाहर की कंपनी का 20% रहेगा। धीरे धीरे हमने ये शेयर को बढ़ाया और आज हमने 100% तक कर दिया कि बाहर से कोई भी कंपनी आएगी, जैसे अब अपने नीमराना है, नीमराना में जापानी जोन बन गया, कोरियन जोन बन गया। ये किस लिए कि भाई आप आओ यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। तो इससे क्या होता है, कंपनियाँ यहाँ पे अपनी बंदे जो है अपनी यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इंडियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगा, है मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पहले के अकॉर्डिंग कम मिल जाएगी, हो जाएगी। देयर इज ए नीड टू अलॉट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ें हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना जो बताया है वो, और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ओके बेटा, गुड डे।